मैं माननीय उपकुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार। आदर सम्मान और गर्व के योग्य गुजरात के माननीय राज्यपाल और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के विजिटर आदरणीय श्री ओम प्रकाश कोहली जी, श्री पवित्रानंद ब्रह्मचारी जी, डॉक्टर राजीव शर्मा जी, प्रोफेसर जीसी महेश्वरी, प्रोफेसर अमित ढोलकिया, डॉक्टर रमाकांत पांडे, डॉक्टर ऋतु कोहली जो राज्यपाल जी की पुत्री भी हैं और एक शिक्षाविद हैं, मेरे मित्र आदरणीय सुरेश जी, भारद्वाज जी, सिंडिकेट और सेनेट के सभी माननीय सदस्य, विभिन्न संकायों के डीन आमंत्रित अतिथिगण, रेस्पेक्टेड टीचर्स, मीडिया से आए मेरे मित्र, और इस सभागार में उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि गुजरात के माननीय राज्यपाल हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि माननीय राज्यपाल जी राज्यपाल तो हैं ही, लेकिन हम सब बहुत सारे यहाँ प्राध्यापक हैं। वैसे ही ये प्राध्यापक हैं, तो एक प्राध्यापक होने के नाते भी मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये जो एक दो दिन का सेमिनार का आयोजन किया गया है, प्रैक्टिसिंग इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, अभी प्रोफेसर महेश्वरी जी ने, स्वामी जी ने उसके अलग अलग आयाम हमको बताए,
जिस व्यक्ति ने इसको दिया सोचा दीन दयाल जी, उनको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसका सोर्स है जहां से कि ये एकात्म मानववाद का सिद्धांत निकला। दीन दयाल जी का जीवन हमसे कुछ अलग रहा, शायद बहुत अलग रहा। आप सोचे एक छोटा बच्चा जिसके पिताजी की मृत्यु हो जाए, केवल 3 वर्ष की उम्र में, उसके 4 वर्ष के बाद माताजी की भी मृत्यु हो जाए, नाना या मामा के घर वो बच्चा पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, और जब वो 9वीं में था तो उसका छोटा इकलौता भाई की भी मृत्यु हो गई शिव दयाल जी की, कैसी विषम विहंगम परिस्थितियों में वो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ होगा। किन अभावों और अकेलेपन में वो बच्चा बड़ा हुआ होगा, उससे सोचेंगे तो इस सिद्धांत की कहीं ना कहीं कोई कड़ी हमको मिलेगी। दूसरों के दर्द का आभास होना, कहना बहुत आसान है, सच में आभास होना एक अच्छे व्यक्ति का गुण है। शायद दीन दयाल जी में ये गुण ईश्वर ने बचपन में अभावों की परिस्थिति और दूसरे कारणों से कूट कूट के भरा। और यही एकात्म मानववाद के सिद्धांत का मूलभूत आधार बना कि हर छोटे का ख्याल रखना, हर दूसरे का ख्याल रखना, हर दूसरे के दर्द को अपना दर्द महसूस करना, यहीं से दीनदयाल शुरू होते हैं। उनके बारे में तो बहुत सारी घटनाएं भी प्रचलित हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, कि यानी इतने अभावों का जो व्यक्ति और उसको उसकी मौसी ने कहा कि बेटा तेरे को सरकारी नौकरी लेनी है, आराम से जिंदगी बितानी है। आप सोच के देखो, वो बच्चा जो प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें अपीयर होता है, पास होता है, और उस नौकरी को ज्वाइन नहीं करता है। कितना उसके अंदर हमसे अलग होने की भावना होगी, वो उसको ज्वाइन नहीं करता है। बिरला जी ने भी, जब वो बिरला कॉलेज में पढ़ते थे,
उसके बाद उन्होंने बीए किया, बिरला जी उनसे बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप नौकरी कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके यहाँ करूंगा, लेकिन वो उसको भी ज्वाइन नहीं किया। तो बिरला जी ने उनको कहा था कि एक नौकरी आपकी हमेशा जीवन भर इंतजार करेगी, आप कभी भी आए यहाँ पर हमारे यहाँ आ सकते हैं। इस तरीके से वो व्यक्तित्व बढ़ा। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो पांच जन्म पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा। पांच जन्म साप्ताहिक शुरुआत करने वाले दीनदयाल जी, मेरे जीवन में भी बहुत प्रभाव इस पांच जन का पड़ा। भानु प्रताप जी उनके मित्र भी थे, उनके लेखों का भी पड़ा। राष्ट्र धर्म भी उन्होंने शुरू किया, और जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और माननीय गुरुजी ने दीनदयाल जी दिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कुछ दिन उत्तर प्रदेश के काम करने के बाद वो जनरल सेक्रेटरी बने, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्टेटमेंट है, देखिए 51 में बना भारतीय जनसंघ और 53 में श्यामा प्रसाद जी नहीं रहे, शहादत हो गई उनकी 53 में। दो बरस में ही उन्होंने कहा अगर मुझे दो दीनदयाल मिल जाएं तो मैं इस देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दूंगा। केवल दो दीनदयाल मिल जाएं तो मैं इस देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दूंगा। एक राहत इंदौरी की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे हमारे एक सिंडिकेट मेंबर हैं तुषार व्यास जी, उन्होंने मुझे दी थी। और मुझे लगा दीनदयाल जी के लिए तो बहुत ही वो एक उनके व्यक्तित्व के अनुसार बनती हैं कि किसी को न हो सका उसके कद का अंदाजा, किसी को न हो सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था फिर भी सिर झुका के चलता था, वो आसमान था फिर भी सिर झुका के चलता था। बहुत सारे लीडर इस देश ने देखे हैं, आगे भी ये देश देखेगा, लेकिन ए लीडर विदाउट ईगो, ए लीडर विदाउट ईगो देखना है तो दीनदयाल जी को देखो। किस तरीके से उस भाव से बहुत दूर अपनी प्रशंसा जिनको बिल्कुल भी निभाती हो, अदरवाइज तो प्रशंसा तो छोटे बच्चे को भी कह दो थोड़ी प्रशंसा कर दो तो वो खुश हो जाता है, बड़ा हो तो और खुश हो जाता है, और बड़ा हो तो और खुश हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रशंसा लेने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, लेकिन उनको कभी भी प्रशंसा नहीं पाई। ऐसा एक व्यक्तित्व
एक बार की बात है, अगस्त 1960 की बात है, चंदौसी एक उत्तर प्रदेश में जगह है, वहां पे एक स्टूडेंट यूनियन का कार्यक्रम था, उसमें बुलाया गया दीनदयाल जी को। वो आए, पहले किसी कार्यकर्ता के घर गए तो उनके कपड़े थोड़े घिसे हुए थे, थोड़े फटे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। तो एक कार्यकर्ता ने दूसरे को इशारा किया कि तुम बाजार से खरीद लाओ। वो खरीद के लेकर आए नई धोती, नया कुर्ता और नई चप्पल। तो दीनदयाल जी को कहा कि आप इनको पहन कर आइए कार्यक्रम में। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी इज्जत पे फर्क पड़ता है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, इज्जत की बात नहीं है, कपड़े थोड़े ऐसे कहते। मैंने सारा उत्तर प्रदेश इन्हीं कपड़ों से भ्रमण किया है, अभी सारा लंबा प्रवास करके आया हूं। राजनीति व्यक्ति है, इतनी सादगी। लेकिन जब आग्रह है तो दूसरों का आग्रह मान लिया उन्होंने और वो कपड़े पहन के कार्यक्रम में गए। और जब वापस आए तो उन्होंने फिर से तय करके कपड़े वापस दे दिए कि अभी ये ले लो। उन्होंने कहा, नहीं, आपके लिए। कहते, अच्छा, गिफ्ट दे रहे हो मुझे? नहीं, आपको गिफ्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा बहुत आग्रह है आपसे कि आप ये रख लीजिए। उन्होंने कपड़े रखे, कार्यकर्ता मतलब दूसरे का दर्द और लगाव महसूस हुआ तो अपना सिद्धांत थोड़ा पीछे किया हल्का सा और उन कपड़ों को उन्होंने लिया। और जो बात उन्होंने कही कि देखिए, कपड़ों से तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति कपड़ों से नहीं जाना चाहिए। बशीर बद्र की दो पंक्तियां हैं, बहुत यहाँ पर सूट करती हैं कि शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। यानी यहां से दीनदयाल जी का उद्भव होता है और वो दीनदयाल जी का जो सिद्धांत, जिसके लिए आज यहाँ पर सभागार में हम हैं, प्रैक्टिसिंग इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। क्योंकि यहां पर जो शब्द है आत्मा है, और आत्मा के आसपास ये पूरा कंसेप्ट चलता है कि आदमी के अंदर डाइवर्सिटी है। सही है, आदमियों के अंदर भी है, पशु है, एनिमल है, सब लोग हैं। प्राणी जीवन में बहुत बहुत तरह के हैं, लेकिन सब में एक आत्मा है जो कॉमन है। वो उसको दर्द होता है, उसको ठंड लगती है, उसको दुख
है उसको खुशी भी होती है। लेकिन क्या हुआ, 150 वर्ष का जो ब्रिटिश राज रहा उसने बहुत कुछ बदला। 150 वर्ष में हमारे सोचने का तरीका बदला, हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदला, हमारी इकोनॉमी बदली, हमारा व्यापार करने का तरीका बदला, पॉलिटिकल थॉट्स बदले। और स्वामी पवित्रानंद जी ने तीन शब्द इस्तेमाल किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका कि यूरोप के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा उस जमाने के अंदर जबकि देश आजादी का हमारा संघर्ष चल रहा था, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ये जो तीन शब्द हैं, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और सोशलिज्म, समाजवाद, इसने वहां के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया और उसने फिर हमको भी प्रभावित किया। सबको लगा कि पूंजीवाद बहुत खराब सी चीज है, क्योंकि जो ओनरशिप है, एक आदमी खूब पैसा कमाता है, गड़बड़ करता है, उसको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। यहां से एक सिद्धांत बना। दूसरा समाजवाद से आया कि चलो ठीक है, ओनरशिप स्टेट की होनी चाहिए, आदमी की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप स्टेट की होगी, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी इंडिविजुअल जो अप्रोच है, एक अपनी मैं, वहां से लेकर और स्टेट। यानी क्या भाव आया, और खासकर यूरोप में और पश्चिमी के देशों में तो बहुत था, हमारे यहां भी आने लगा है कि इंडिविजुअल कंसेप्ट कि माई स्पेस, ये मेरी जगह है, माई स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जब हम अब क्या बच्चों के घरों में आपने देखा होगा, हम सबके घरों में बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी कम होने लगे, तो एक कमरा है, ये एक छोटे बच्चे का कमरा है, ये उसके बड़े बच्चे का कमरा है, अलग अलग कमरे, माई स्पेस। वेस्टर्न थ्योरी इसके नुकसान भी है इस थ्योरी के, और इसको और खराब क्या किया, एयर कंडीशन ने खराब कर दिया, वो जो माई स्पेस था ना, उसका दरवाजा भी अब बंद रहने लगा, उस माई स्पेस का। पिताजी भी डरते हैं, माँ भी डरती है, खटखटा के जाती है बच्चे के कमरे के अंदर, बच्चा बोलता है कि आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। हम जब छोटे थे तो खैर इतने कम बच्चे नहीं होते थे घर में, हमें तो कमरा मिला नहीं, कभी कोना होता था कमरे के अंदर, कोना होता था, कमरा नहीं होता था, और उस कोने का दरवाजा जो कमरे में कोना था वो भी खुला रहता था। जो ओपननेस की फीलिंग है कि
पहले हम दीवारों के बीच में रहते थे, अब दीवारें हमारे बीच में रहती हैं। घर घर में ये दीवारें हमारे बीच में रहती हैं, तो ये जो कंसेप्ट अगर डेवलप इंसान के लिए होना है, हम इतना ज्यादा जब प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं ये खराब करता है। एग्जाम्पल हमने देखा कि कम्युनिज्म का तो बहुत बुरा हाल हुआ, रशिया और चाइना दोनों अलग अलग तरह के कम्युनिज्म के एक एग्जाम्पल हैं। तो लगा कि कम्युनिज्म मीन्स एक क्या है, कहीं ना कहीं एक 4-6-10-20-50-100 लोगों का लोग हम पे सत्ता करेंगे, पहले वो करते थे सत्ता करेंगे। तो यहां से उन्होंने सोचा जो व्यक्ति है वर्कर है, दोनों व्यवस्थाओं के में इंसान जो है उसकी सोच उसकी खुशी वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही, कम्युनिज्म में भी रही पूंजीवाद में भी रही। यहां से दीनदयाल जी शुरू हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, उससे पहले डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो सकता है क्या? दोनों जगह जब ये फेल हुआ और रशिया में भी क्या हुआ, कुछ लोगों ने सत्ता को काबू किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि समाजवाद जो है जहां स्टेट की ओनरशिप है वहां डिक्टेटरशिप आती है। संसार ने देखा समझा जाना जो मानव स्वभाव के खिलाफ है कि डिक्टेटरशिप जो पनपती है, तो लोगों ने सोचा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम शायद उसके छोटे अधूरे से एग्जाम्पल हैं जहां डेमोक्रेसी भी है सोशलिज्म भी है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी खामियों के साथ, क्योंकि उन दोनों व्यवस्थाओं में एक बात है जो एक मैंने कहीं पढ़ी कि व्यक्ति को खाना और रहना ये मूलभूत आवश्यकता है, दोनों थ्योरीज की ये मिल जाए तो सब ठीक है। तो एक कम्युनिस्ट थे, वो किसी दूसरे कम्युनिस्ट दोस्त को सिखा रहे थे ये बात कि भाई देखो खाना और वो मिल जाए रहने को, ये सबसे मूलभूत है, सिद्धांत इसी के आसपास होना चाहिए और यहाँ खत्म, व्यक्ति की जरूरत पूरी। उसने कहा मैं तेरी दोनों जरूरत पूरी कर देता हूं, मैं तेरे को घर में खाना दूंगा खूब अच्छा दूंगा और रहने को भी दूंगा, तो तुम्हारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। उसने कहा सॉल्व हो जाएगी, कहता फिर मेरी एक कंडीशन है कि मैं तेरे को जब रोज खाना दूंगा एक जूता सार्वजनिक रूप से मारूंगा। कहता क्यों जूता क्यों मारोगे मुझे, मेरी इज्जत है। कहता फिर इज्जत कहां से आई बीच में, मैं तेरे को खाना तेरे हिसाब से दे रहा हूँ, रहने को अच्छी जगह दे रहा हूँ, एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, तो जूता तो खाना फिर तू। बोलता है नहीं नहीं मैं जूता नहीं खाऊंगा। यानी मानव स्वभाव को इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं है, इस
इसका मतलब जो मूलभूत है यहाँ पर ये ऐसे चल नहीं पाता है, तो क्या होता है, डार्विन थ्योरी आई कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये पूरी तरह ठीक नहीं है। वेस्टर्न मॉडल में बनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि जो शक्तिशाली होगा वही जिएगा, कमजोर को जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कमजोर को जीने का अधिकार ना हो, ये तो जानवरों में भी नहीं होता। उसने थ्योरी तो डेवलप कर दी पर ये तो जानवरों में भी नहीं होता। हाथी देखिए ना, हाथी झुंड में रहते हैं, एक बच्चे पर आक्रमण करके तो देखो सारा झुंड इकट्ठे उस पर आक्रमण करता है। और आप हाथी के बच्चे को वहां से निकाल नहीं सकते आसानी से, छोटे बच्चे को भी हाथी भागेंगे नहीं छोड़ोगे। जानवर भी इस बात को समझते हैं, तो एक कमजोर को तो भारत में जो परिवार की व्यवस्था जहां पर कि ये दीनदयाल जी ने बीच में लेयर डाली, फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच, एपिसेंटर शुड बी फैमिली, परिवार है तो एक कमजोर भी पल जाएगा उसके अंदर, अगर उस पर कोई आक्रमण होगा तो परिवार उसका खड़ा है, परिवार के बाद में समाज खड़ा है उसके लिए, उसके बाद में राष्ट्र खड़ा है। व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में ये दो जो लेयर हैं बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर हैं, व्यक्ति की समाज की और दूसरी परिवार की। लेकिन अगर भारत में भी किसी तरीके से कमजोर हो रही है तो हमको सोचना पड़ेगा। और अंतिम जो बात है, ये अगर कमजोर होंगी तो पूरी व्यवस्था हिलेगी और एक आत्म मानववाद भी हिल जाएगा इसमें से, मूल बुनियाद। तो आज जब हम बात करते हैं कि देश में अच्छे दिन आ रहे हैं, ये जो अच्छे दिनों के बीच में दीनदयाल जी खड़े हैं, इसकी बुनियादों में दीनदयाल जी खड़े हैं। श्यामा प्रसाद जी की शहादत हुई 15 वर्ष बाद दीनदयाल जी की भी शहादत हो गई, अलग अलग कारणों से अलग अलग परिस्थिति में शहादत हुई, लेकिन वो भारत माने ने अपने दो बेटे खो गए। आज वो दिन जो आए हैं, अभी जो स्वच्छ भारत अभियान हुआ उसमें गांधी जी का एक चश्मा दिखाया गया कि गांधी जी देख रहे हैं, तो मेरे मन में आता है कि काले मोटे चश्मे से दीनदयाल जी भी तो हमें देख रहे हैं, हमको भी अपने कंडक्टर को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऊपर से दीनदयाल जी देख रहे हैं कि देखो दो बड़ी शहादत हुई थी, आज अच्छे दिन आए हैं और ये कैसा आचरण करते हैं। यानी हम सबकी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो इस देश के इस व्यवस्था के खिलाफ हो। इसमें अगर हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ गिविंग की जो बात दीनदयाल जी ने करी देने की, अगर आप किसी को खाना खिलाओगे तो उससे जो संतोष मिलेगा वो भी तो खुशी है आपकी। सिर्फ अपना खाने से ही तो संतोष नहीं मिलता है, अपना खाओ कौन मना करता है, लेकिन दूसरे
दूसरे को भी तो खिलाओ, उसको भी तो कुछ स्पेस दो। माई स्पेस ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन स्पेस फॉर अदर्स ये बहुत जरूरी और आवश्यक है। जो सबसे जो लास्ट बात में कहना चाह रहा था वो थी, जो बुनियादी रूप से फर्क है जो आज हम करते चले जा रहे हैं, कि मास प्रोडक्शन नॉट ऑन मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस, यहां पर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बीच में आता है कि क्या बड़ी कंपनियां ही आवश्यक हैं। और अब तो बड़ी कंपनी की भी बात नहीं रही, पहले क्या होता था, गांव में होता था, एक दो लोग होते थे जो जरूरतों के लिए कुछ बना देते थे, आप कहोगे पुरातन बात है, छोड़ देते हैं पुरातन बात है, जूते बनाने की बात है वो भी छोड़ देते हैं। तो राज्य ने बनाना शुरू किया, लोगों ने बनाना शुरू किया, पूरे देश के लिए शुरू हुआ, फिर मल्टीनेशनल्स आ गई, यानी एक देश ने कई देशों के लिए हम सामान बनाएंगे, ठीक अच्छी व्यवस्था चल रही है। लेकिन यहां समस्या क्या है, इस व्यवस्था में चीन का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि चीन ने क्या सोचा, मल्टीनेशनल से भी ऊपर चलते हैं, अपन सारे संसार के लिए बनाएंगे, और वो सारे संसार के लिए सस्ता अच्छी, मैं तो क्वालिटी पे बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ चलो सारे संसार के लिए अच्छी और क्वालिटी का सामान चीन बना रहा है, हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं उस सामान को, लेकिन चीन ने इस प्रोसेस में क्या खोया है, अपनी नदियां पॉल्यूट कर ली, अपनी हवा खराब कर ली, अपनी जमीन खराब कर ली, और सनलाइट भी खराब कर ली, चारों मूलभूत चीजें चीन ने खोई हैं। आज बीजिंग और शंघाई में न तो सूरज ठीक से दिखता है, मास्क लगा के बहुत बार लोगों को घूमना पड़ता है, यानी आवश्यकता क्या है आपको इस चीज की, ये इकोनॉमिक मॉडल सही नहीं है, इसके दुष्परिणाम है। इसीलिए जब दीनदयाल जी ने एम्फेसिस दिया इस बात पे कि प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, ना कि मास प्रोडक्शन होना चाहिए, इस पर अर्थशास्त्रियों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि ये कितना सही है। आज भी एग्जांपल ले लेते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सब बात करते हैं, हम भी करते हैं, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन 17% का है, सारे बड़े बड़े घराने आप मिला लो, 17% तो बच्चा कहाँ है, बच्चा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 80% से ऊपर कंट्रीब्यूशन जो है वो सो कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। आपने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की सारी नीतियां, सारे पढ़े लिखे लोगों ने जो नीतियां बनाई हैं, भी वो किसको फोकस करके बना रहे हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फोकस करके बना रहे हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन केवल 17-19% का है, 80% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आ रहा है, खेती
से आ रहा है, छोटे उद्योगों से आ रहा है, ठेले वाले से आ रहा है, किसी और से आ रहा है। यानी ये जो व्यवस्था 80% की जो व्यवस्था है उसके लिए न तो कोई नीति पे बात हुई, अब धीरे धीरे हो रही है। मैं बात जो कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से अगर हम डेवलप करेंगे इकोनॉमी के मॉडल वो कितने अच्छे होंगे, क्योंकि जो ह्यूमन हैप्पीनेस की बात है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुशी होगी तो सब होगा ना। अदरवाइज जैसे इंडिविजुअल अप्रोच हम पढ़ाते चले जा रहे हैं कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, तो मानव एकात्म मानववाद का सिद्धांत इसको दूर करता है। और अभी पिछले दिनों यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था सभागार में यहीं पे, तो एक बहुत पुरानी प्रार्थना हम बचपन में गाया करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं इसलिए कि उसकी एक एक लाइन हम सबके लिए है, एक एक लाइन एक आत्म मानववाद। कल प्रोफेसर महेश्वरी जी और प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, राजवीर जी से भी, कि उसकी एक एक लाइन क्या है। अगर वो हम उसमें से एक या दो लाइन भी अपने जीवन में ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि दीनदयाल जी जो मोटी काली आंख चश्मे से देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे बच्चे जिसके लिए कितना सब होना चाहिए था अच्छे दिनों में कुछ अच्छी बात इम्प्लीमेंट करें। मेरे जो छोटे बच्चियां बैठे हैं मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि बेटा ये हमको करना चाहिए। बहुत अच्छी थी इसी सभागार में गाई गई, लेकिन दो तीन लाइनें आप सब जानते हैं, बचपन में हम प्रार्थना गाते थे, मुझे बहुत पसंद है आई उस दिन। एक्चुअली मैंने समझा उसको गाई, मैंने भी पहले बहुत होगी, लेकिन उस दिन क्योंकि स्टेज पे बैठ के क्या होता है, बहुत बार आप बहुत कुछ सोच रहे होते, तो मैंने समझा कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम नेक रास्ते पे चलने भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम न सोचे हमें क्या मिला, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर मन का खोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे भूल कर भी कोई भूल होना, यही दीनदयाल जी हैं, यही एक आत्म मानववाद है। एक अच्छा इंसान बनेंगे तो सारी व्यवस्था अच्छी होगी, देश
देश को भी जरूरत है इसकी। देश किसी भी नीति पे चलेगा यदि चलाने वाले अच्छे हों, हम सबको और खासकर जो मेरे युवा बच्चे बैठे हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। देश आपसे यही आशा करता है कि कोई ऐसा काम न करें अपने जिंदगी में जो इस देश के खिलाफ, वो आपको भले ही उसका फायदा होता हो मत करना। ये देश अपनों से बहुत छला गया है, आप उसमें भागीदार ना बनना। ऐसा प्रण करेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ आयोजन जो हुआ उसका कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलेगी और वो भी इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। मैं माननीय प्रोफेसर राजवीर शर्मा सर